अद्भुत मेहनत। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक बहुत सुंदर मृग रहता था, जो अन्य प्राणी से अलग और खूबसूरत था। उसकी अपनी अलग पहचान थी। उस मृग को बहुत ही सुंदर मेहनत आती रहती थी, जिसकी खोज में वह दिन रात जंगल में भटकता रहता है, क्योंकि वो मृग उस मेहनत का दीवाना था। वो जिस खुशबू की तलाश में घूमता रहता है, उस चीज को कस्तूरी कहते हैं। मृग नहीं जानता था कि ये मेहनत आखिर है किस चीज की। मृग दिन रात उस मेहनत के बारे में सोचता रहता है, आखिर ये चीज है क्या। मैं इतना जंगल में घूमता फिरता हूँ, लेकिन ये चीज तो मुझे मिल नहीं रही है। सुबह होते ही मृग घर से निकल पड़ा उस सुंदर मेहनत की तलाश में। मृग जंगल में घूमते घूमते रास्ता भटक गया। वो जंगल से किसी और ठिकाने आ पहुँचा। वापस आने का रास्ता मिल नहीं रहा था। अचानक उसके सामने बिजली जैसे कुछ चमका, तो उसके सामने एक परी खड़ी थी। परी ने मृग से पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? जंगल का कोई भी प्राणी इधर आता नहीं, तो तुम कैसे आ गए? उद्धरण चिन्ह। मृग बोला, मुझे बहुत सुंदर मेहनत आती रहती है, जिसको मैं पाना चाहता हूँ। मैं जब तक उस चीज को नहीं पा सकता, तब तक चैन से नहीं बैठ सकता। परी हंसी और बोली, हे मृग, तुम जिस चीज को पाना चाहते हो वो कस्तूरी है, जिसकी धारा तुम्हारे ही भीतर मौजूद है। वो कस्तूरी तुम्हारे ही नाभि में है, और तुम्हें उसकी सुगंध आती रहती है। ये सुगंध अन्य प्राणी को नहीं आती, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे ही पास है। ये भगवान की देन है, जो सिर्फ तुम्हें ही मिली है। इसकी खोज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सदैव तुम्हारे ही साथ रहेगी। अब तुम वापस अपने घर जाओ। परी ने छड़ी घुमाई और उसे घर जाने का रास्ता दिखाया। मृग खुश होकर अपने घर लौटा और उस मेहनत का आनंद लेता रहा। अब उसने जंगल में भटकना छोड़ दिया और वो अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगा। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।